वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक मुल्क भर में क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की मुहिम जोरों शोर से जारी है। सरकारी अमलाक पर कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करते हुए अरबों रुपए की अराजी वागजार करवाई जा चुकी है, लेकिन बदकिस्मती से बहावलपुर की ब्यूरोक्रेसी ने वज़ीर-ए-आज़म के अहकाम को हवा में उड़ा कर रख दिया है। ना तो नाजायज कब्जा ग्रुपों के खिलाफ कोई अमली कार्रवाई नजर आ सकी और ना ही स्कूल और पब्लिक पार्क की जगह वागजार करवाई जा सकी, जिस पर न सिर्फ तालबात सरापा एहतजाज है बल्कि उस्तादा भी वज़ीर-ए-आज़म से अपील पर मजबूर हैं। हमारे साथ वाली जो जगह है उसे कब्जा किया हुआ है, उसे उस जगह पे कॉलेज बना दिया जाए ताकि हम अपनी तालीम को आगे इसी जगह बढ़ा सकें। को थ्रेट मिलते रहते हैं, बच्चे अगवा कर लेंगे और मुझे भी अक्सर थ्रेट मिलता है। वो कहते हैं कि हम स्कूल में आग लगा देंगे, स्कूल में सारा रिकॉर्ड वो कर देंगे अगर ये स्कूल को खाली करवाने के लिए अगर कोशिशें हुई तो। मेरे पीएम साहब से ये गुजारिश है, अगर मेरी भी है अपील है और बच्चियां भी कहते हैं कि अगर हमें जगह खाली हो जाए तो हमें एक मौका मिलेगा कि हमें ग्राउंड मिल जाएगा, हम खेल सकेंगे। कमरे जो हैं 3-4 क्लासेस हमारी अभी तक बाहर बैठती हैं सर्दी में गर्मी में, तो उनकी बच्चियों की तरफ से भी अपील है कि ये जगह खाली होनी चाहिए। अब देखना यह है कि इन तालबात और उस्तादा की फरियाद पर जिली इंतजामिया कान धरती है या ऐसे ही ख्वाब खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ रहेगी। कैमरामैन वसीम अली के साथ चौधरी सलीम, ARY न्यूज़, बहावलपुर।